लॉरेंस रो टारगेट रे बॉलीवुड रो दुई सुपरस्टार घरु बाहरी परिबे तो किंग खान ओ भाईजान गतकाली शाहरुख को मिलिथिला हत्या धमक आज पुणी सलमान को मिलिछि जीवन रो मारि देबारो धमक मासक भितरे तुमको हत्या करा जीव बारंबार हत्या धमक मिलुतबारु चिंता रे मुंबई पुलिस बॉलीवुड रे सुपरस्टार मानकु नेम फेम सह संकटर सामना भी अधिकांश समय रे करिबाकु पड़िथाय जेमिति कि सलमान को प्रथमे हत्या धमक मिलिथिला परे शाहरुख आ पुणि थरे आज भाईजान को मिलिछि हत्या धमक ता पुणि अंडरवर्ल्ड डॉन भाई कठर बॉलीवुड रे डेथ थ्रेट बा जीवनरु मारि देबाकु धमक मिलिबार धारा जारी रहिछि सलमान खान को परे एबे शाहरुख खान को हत्या धमक मिलिछि शाहरुख खान किसी समय हेबो कड़ा सुरक्षा बल रे अछति शाहरुख खान को कहिबा कथा 2023 रे पठान ओ जवान रो सफलता परे तांकु जीवनरु मारि देबाकु धमक मिलिबार लागिछि तेबे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को एही धमक पुलिस स्टेशन को कॉल करी दिया जाइछि मुंबई रो बांद्रा थाना रे केस दायर करा जाई जांच करिवार निर्देश दिया गला कहा जाउछि जे छत्तीसगढ़ रायपुर रे रहुतिबा फैजान एही धमक देइछन्ति तांकु अरेस्ट करा जाइछि पचरा उचरा परे फैजान को छाड़ दिया जाइछि फैजान खान जने डॉक्टर ओ वकील तो किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो नहीं तो जान से मार देंगे उस पर मुंबई पुलिस आई थी रायपुर यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए मेरे घर पे आए थे फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया अपना मोवा पुलिस स्टेशन में तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे मेरा स्टेटमेंट दिया मेरा फिर अब 14 तारीख को वहाँ मुंबई बुलाया मुझको वहाँ पे शाहरुख खान के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी हुई है ऑलरेडी एक वहाँ पे एक मूवी को लेकर अंजाम मूवी को जिसमें वो बोलता है हिरन का शिकार करता है वो और अपने हरी सिंह से बोलता है नौकर से कि भाई इसको पका के खा लेना और फिर कहता है कि मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग मेरे दोस्त हैं बहुत सारे अजमेर राजस्थान से ही हैं और एक मुसलमान होने के नाते अगर वो ऐसा बोलता है किसी की आस्था को आहत पहुंचाता है तो वो निंदनीय है उस पर मैंने FIR लेने के लिए और मूवी को बैन करने के लिए कंप्लेंट दिया है बॉलीवुड अभिनेता तथा मोस्ट एलिजिबल बैचलर सलमान खान को पुणि हत्या धमक मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग पुणि सलमान को हत्या धमक दे मुंबई ट्राफिक कंट्रोल रूम को एपरी धमकपूर्ण मेसेज आसी एने वाली थाना रे एक मामला रुजु होइतबा बळे पुलिस छानबीन चलाइछि गुरुवार राति प्राय 12टा रे कंट्रोल रूम को एक धमकपूर्ण मेसेज आसीथिला एथरे लेखा जाइछि जे सलमान खान एवं लॉरेंस बिश्नोई उपरे एक गीत लेखा जाइछि एहाकु छोडा जीव नाही एई मेसेज रे आहुरी मध्ये लेखा जाइछि जे एक मास मध्ये गीत लेखकंकु हत्या करा जीव गीत लेखकंक अवस्था एपरि हेबो जे से निज नारे भी गीत लेखि पारिबे नाही जदि सलमान खान करो साहस अच्छी तेबे से तांकु आसी बचातु वर्तमान मुंबई पुलिस एही घटनार तदंत करुछि एहा पूर्वरु सलमान को हत्या धमक देबा अभियोग रे राजस्थान रो जणे व्यक्ति बुधवार धरा जाई महाराष्ट्र पुलिस को हस्तांतर करथिले अधिकारी जणक कहिछन्ती अभियुक्तक नाम विकाराम जे कि विक्रम नामरे मध्य जणासुळा एवं से राजस्थान रो जालोर रो बासिंदा हावेरी पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार कहिछन्ती महाराष्ट्र ATS बा आतंकवादी विरोधी स्क्वाड रु मिलिथिबा सूचना को आधार करि हावेरी शहर रे जणे व्यक्ति धरा पड़िथिले एवं ताकु हस्तांतर करा जायथिला करके उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है तो उस पे मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है सर नहीं अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है सर उसका बैकग्राउंड क्या है जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैजान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है किस तरह धमकी दिया था सर धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी जो एक कॉल गई थी ये बांदा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांदा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर किया सेपटे सुपरस्टार और बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान को मिली हत्या धमक इन्हें मुंबई रो बांद्रा पुलिस निकट रे अभियोग होई पुलिस सूचना मुताबक छत्तीसगढ़ रायपुर रु फैजान नामक व्यक्ति नाम से पंजीकृत होता नंबर रु धमक मिलता शाहरुख खान का टीम बांद्रा पुलिस निकट में यह अभियोग बांद्रा स्थित शाहरुख खान का प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ऑफिस को यही कॉल करा बांद्रा पुलिस क्राइम ब्रांच एक टीम वर्तमान रायपुर अभिमुखे बाहरी जोठारु धमक आसी बांद्रा स्थित शाहरुख खान का प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ऑफिस को यही कॉल करा
बांद्रा पुलिस क्राइम ब्रांच रे एक टीम वर्तमान रायपुर अभिमुखे बाहर छथि जेउठारु धमक आसी फोन करी कहा जाइथिला जे जदि शाहरुख को जीवन बचाइबा को चाहौ छ तबे कोटी टंका दियो नचेत परिणाम भोगिबा को प्रस्तुत रहो। सलमान को परे शाहरुख को एपरि धमकपूर्ण कॉल आसीबा परे शाहरुख को घर मन्नत निकट रे सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई दिया जाइछि। किछि दिन तले शाहरुख को घर बाहर पुलिस बैरिकेड लगाइथिला। शाहरुख जुआड़े भी जाती सहित निजर सुरक्षाकर्मी को नहीं जाती। पूर्वर सलमान खान को हत्या धमक मिलता बेले गैलेक्सी अपार्टमेंट उपरकु गुड़माड़ा जहाँपर सुरक्षा बढ़ाई दि जाता। निकटने सलमान को घनिष्ठ बंधु बाबा सिद्दीकी को विष्णोई ग्यांग्र शूटर मैंने गुड़ कर हत्या कर स्वीकार करते तेरे सलमान पुणी शाहरुख को यह हत्या धमक मिलता मुंबई पुलिस चिंतार पड़ी। निकटने शाहरुख खान निज जन्मदिन पालन करथिबा बळे फैन्स माने मन्नत बाहर जो भिड़ लगांती से फैन्स माने एबे चिंता व्यक्त करछंती शाहरुख को सुरक्षा कुने। एठारे जने बॉलीवुड सुपरस्टार तो अन्य जने अंडरवर्ल्ड रो बड़ गैंगस्टर फिल्म कहानी होइथिले गैंगस्टर को मृत्यु होइथांता हीरो जीती होइथांता हैप्पी एंडिंग हेले एठी कहानी फिल्म रो नुहे बरं असल जीवन रो फळरे गैंगस्टर विष्णुई रो धमक कुने सलमान खान को सह परिवार उपरे चिंतार कला बादल खेल गई। निकटने सलमान को बंधु बाबा सिद्दीकी को गुली करी हत्या कर दिया जाई छी। घटना मुंबई पुलिस पाई विष्णोई गैंग रो मुंडविंधा बढ़ाई दी छी। हाजी मस्तान थारू दाऊद इब्राहिम भली गैंगस्टर को साबाड़ करथिबा मुंबई पुलिस लॉरेंस रो जाल को भेद कर पारनाही। जेल रे थिले मध्य विष्णोई टारगेट किलिंग रो मास्टर पंजाब हेउ अथवा कानाडा से शार्प सुटर को जरिया रे टारगेट करी जीवन नहीं थाए। सलमान को क्षेत्र रे लॉरेंस रो व्यक्तिगत शत्रुता रहुछि फळरे विपद अधिक बोली कहा जाउछि। विख्यात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को हत्या एवं सलमान को घर बाहर गुड़चाला लॉरेंस रो हाथ थिबा जना पड़ा। एबे बाबा सिद्दीकी को हत्या पछरे गैंगस्टर थिबा एक प्रकार स्पष्ट होइतिले हे पुलिस तदंत जारी रखिछि। छि दिन धरी लॉरेंस एवं सलमान को मध्ये विवाद चलिछि। सलमान शूटिंग बेले कला हरिण मारिबा परे एहा आरंभ होइतिला। गुरु जम्बेश्वर को 29 वचन रे विश्वास करथिबा विष्णुई समाज रो लोकों को पाई एही हरिण रो हत्या बड़ अपराध कारण सेमाने कला हरिण रो संरक्षण पाई ख्यात एक प्रकार सेमाने तार पूजा करिथांती। एथिलागि सलमान को परे मामला एवं जेल दंड हेबा सत्वे विष्णुई समाज ताकु क्षमा करबाकु प्रस्तुत नहि। एहा कुने लॉरेंस सलमान को सर्वप्रथमे निजर टार्गेट बनाइथिले। 1998 रे हम साथ साथ हैं फिल्म शूटिंग बेले सलमान शिकार करने को जाते 1998 डिसेंबर 27-28 रे फार्म हाउस रे कृष्णसार मृगर शिकार करा जाइथिला। एहा पछरे सलमान थिबा कहा जाइथिला। अक्टोबर 12-1998 रे प्रथम थर लागि सलमान को गिरफ्त करा जाइथिला। पांच दिन जेल रे रहिबा परे अक्टोबर 17 रे सलमान मुकुलिथिले। एप्रिल 5-2018 रे मामलार सुनाणी करी अभिनेता को 5 वर्ष जेल दंडादेश दिया जाइथिला। एप्रिल 7 रे किंतु तांकु जामिन मिल जाइथिला। जे भी कला हरिणर शिकार करछंती तांको ठारु प्रतिशोध निया जीव बोली लॉरेंस विष्णोई धमक देथिले। सिद्धू मूसेवाला को हत्या करबा परे से मोस्ट वांटेड तालिका रे शामिल होइथिले। एही मामला रे से 2022 रु जेल रे अछंती हेले सेठारु ही से ग्यांग चलाउछंती। से सलमान को घर उपरे आक्रमण मध्य करिछंती। लॉरेंस गैंग जेल रे थिबा अपराधी मानकु दल रे शामिल करिथांती। सेमाने जेल रु बाहर को आसी गैंग रो टारगेट को पूरण करिथांती। पंजाब विश्वविद्यालय रु छात्र राजनीति जहाँ परे से गैंगस्टर दुनिया रे प्रवेश करिछंती। अनेक थर तांकु गिरफ करा जाइथिले मध्ये मूसेवाला को हत्या परे से चर्चा को आसीछंती। एनआईए मुताबक लॉरेंस गैंग रे 700 रु अधिक शार्प शूटर अछंती जेउतिरु केवल पंजाब रे 300 अछंती। कानाडारे थिबा गोल्डी बरार गैंग रो अंतर्जातीय ऑपरेशन को ठिकणा करछंती। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।